चारों तरफ कांटी से लगे पूरा हम बैरिया छाता चौकी सब जगह खोजे लेकिन वहाँ नहीं मिले। उसके बाद जो कॉल करते करते तब भैया के साला जब कॉल किए तो अचानक उठाया एक आदमी उसको गाड़ी देख के किसी से विवाद भी था क्या? बगल में झगड़ा भेल था। कांडी थाना क्षेत्र के लश्करीपुर के रहने वाले नर्सिंग होम संचालक पिंटू कुमार गुप्ता की हत्या कर शव को चौर में फेंक दिया गया। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में सनसनी फैल गई। काफी संख्या में लोगों की भीड़ जुट गई। मृतक के परिजन और पुलिस भी मौके पर पहुंचे। शव को बाहर निकाला गया। मृतक के भाई विकास कुमार ने बताया कि गर्दन ऐठा हुआ था, गले और छाती पर जख्म के निशान थे। उनके बाइक उल्टी गिरी हुई थी, पैर में रबर बांधा हुआ था। लाश को देखकर प्रतीत हो रहा है कि उनकी हत्या कर फेंक दिया गया है। घटना से आक्रोशित होकर लोगों ने सड़क जाम कर दिया। कांटी थानेदार संजय कुमार लोगों को समझाकर शांत कराने में जुटे हैं। वहीं शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। भाई विकास ने बताया कि कांटी में ही नर्सिंग होम चलाते हैं। कुछ दिन पहले गांव में आपसी विवाद को लेकर लड़ाई भी हुआ था। उन्होंने विकास से कहा था कि कुछ लोग धमकी दे रहे हैं, तुम ठीक से रहना। सोमवार रात को वे नर्सिंग होम से अपने किसी दोस्त को घर छोड़कर गए थे। स्टाफ अभिषेक के कॉल कर बोले कि आधे घंटे से नर्सिंग होम आ रहे हैं लेकिन रात तक नहीं पहुंचे। उनका मोबाइल भी बंद था। परिजन ने चिंतित होकर खोजबीन शुरू की। इसकी जानकारी कांटी पुलिस को दी गई। विकास ने कहा कि अहले सुबह तक पुलिस के साथ खोजते रहे पर कहीं भी उनका सुराग नहीं मिला। जहां आज लाश मिली वहां भी रात गए थे लेकिन उस समय कुछ नहीं था। आज सुबह जब थक कर घर लौट रहे थे तभी एक परिचित ने कॉल कर लाश मिलने की जानकारी दी। पुलिस घटना के गुत्थे सुलझाने के लिए मृतक के मोबाइल का कॉल डिटेल से जांच कर रही है। इससे पता लगेगा कि आखिरी बार किससे बात हुई थी। साथ ही इस व्यक्ति का भी पता किया जा रहा है जिसे छोड़ने वे रात को गए थे। परिजन का बयान दर्ज करने की कवायद में पुलिस जुटी हुई है। देखने से लगता है कि कोई मारो उड़ के फेंक दिया लो, ऐसा प्रतीत होता है। वहाँ पर मोटरसाइकिल भी लगा हुआ था, बगल में नीचे में बॉडी था, ऊपर से मतलब मोटरसाइकिल था, बगल में जूता था फेंका हुआ था, गमछा फेंका हुआ था, एक प्लास्टिक का रबड़ भी वहाँ पर उपलब्ध था। सबको उठाए हैं और पोस्टमार्टम में लाए हैं, आगे कार्रवाई की जा रही है। मृतक का नाम है पिंटू कुमार, पिंटू कुमार सर, लश्करी के लश्करीपुर कांटी थाना क्षेत्र। कुछ पता चल पाया है कि इसमें कौन सा अभी तो लगे हुए बड़ा वो भी गए हुए हैं क्षेत्र, वहाँ पर घटना स्थल पर लोग पहुँचे हुए हैं और फोरेंसिक टीम को मंगाया गया है, आगे कार्रवाई की जा रही है। मामला यही हुआ कि जो भाई जी जो थे हॉस्पिटल पर थे, हॉस्पिटल से जो है वो बाजला के तरफ गए नंबर लगाने IGMS के लिए। मेरी छोटी वाली सिस्टर का सास का तबीयत खराब था और वहाँ से नंबर लगा के जो है एक आदमी जो उनके साथ जो सफराज भाई थे उनको घर छोड़ दिए। घर छोड़ने के बाद जो है बोले कि ठीक है नंबर तो लग गया कि आप दो पुड़िया भी उनसे ले लिए। उसके बाद बोले कि 4:30 में तैयार रहिएगा कि बोलो वहाँ हम आएंगे एम्बुलेंस लेकर और चलिएगा साथ में, तो बोले कि ठीक है। उसके बाद यहाँ से निकलने के बाद 8:25 में मेरा भाई जो अभिषेक जो हॉस्पिटल का मैनेजर है उसको कॉल गया कि हम घर चले जाए कि हॉस्पिटल पर आए, तो बोला कि नहीं घर चले जाइए। तो काम पेशेंट का हुआ कि नहीं, एक पेशेंट था तो बोले कि काम हो रहा है। उसके बाद जो बोले कि ठीक हम 10 मिनट में पहुँच रहे हॉस्पिटल पर। उसके बाद जो है 10 मिनट बाद आधा घंटे बाद फ़ोन किया तो बिजी बताने लगा, बिजी बताने के बाद कॉल लगा नहीं। तो ये लोग हम लोग इंतज़ार किए कि आधा एक घंटा इंतज़ार किए कहीं अब आएगा अब आएगा। उसके बाद चारों तरफ कॉल दोहरा कि कहीं शादी में एक जगह जो होता है छेका फनदान जो होता है वो हो रहा था, तो हमको लगा कि वहाँ भी गया होगा लेकिन वहाँ भी नहीं गया। चारों तरफ पता कि उसके बाद जो है हम गए हॉस्पिटल पर अपने भाई को लेके, उसके चारों तरफ घूमे। उसके बाद कांटी थाना को इन्फॉर्मेशन किए, मेरे भैया जो है बड़े महेश भैया वो इन्फॉर्मेशन किए। उसके बाद कांटी थाना के साथ में हम लोग 4:30 तक भोर में तक घूमे, जहाँ से लाश बरामद हुआ वहाँ कुछ भी नहीं था, हम देख के आए। उसके बाद जो है जब 5:30 के करीब में वहाँ से फिर हम रिटर्न हम और जा रहे थे, वो जो आदमी जो जिसको छोड़े थे सफराज भाई को, उसको जिस समय से वो हमको नहीं मिले उस समय से हम कंटिन्यू उनको साथ में उठे और कंटिन्यू खोज रहे थे। उसके बाद बोले कि ठीक है चलिए कि देखते हैं कांटी में, इसके बाद नहीं होगा तो फिर आगे कार्रवाई करेंगे हम लोग सोचेंगे। उसके बाद जाते समय मेरे जो छोटे भैया के जो छोटे साला जो गुजरात में काम करते उनको कॉल गया।